कंट्रोलिंग। कांग्रेस प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिष्ठा जी, जिस तरह से नया आरोप लगाया अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए पब्लिक फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, केजरीवाल जी लगता है प्राइवेट फंड और पब्लिक फंड में जो अंतर हैं वो उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हैं और अपना अपने आप को वो अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए वो जनता की टैक्स पेयर्स की पैसा खर्च कर रहे हैं और ये कोई छोटी रकम नहीं, 3.8 करोड़ बहुत ही भारी रकम होते हैं। और उनके जो पर्सनल डिफेमेशन केस हैं उसको संभालने के लिए राम जेठमलानी जैसे हाई प्रोफाइल लॉयर उन्होंने लगाए हैं, जिनका एलिजली 22 लाख रुपया पर अपेयरेंस वो चार्ज कर रहे हैं, तो वो पैसा वो अपना जेब से खर्च करे क्योंकि वो अपना सेव इंटरेस्ट सेफगार्ड करना चाहते हैं, उसके लिए वो जनता की पैसा को क्यों लगा रहे हैं। और ये पहले दफ़े नहीं है, इससे पहले भी CAG की रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल सरकार 97 करोड़ रुपया इस तरह से केजरीवाल जी के पर्सनल ग्लोरिफिकेशन के लिए एड्स पे खर्चा करे। तो जो आदमी, जो इंसान, जो व्यक्ति अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का एक मसीहा बोलते थे, वो इस तरह के भ्रष्टाचार में डूब गए हैं कि वो उनको पब्लिक फंड इस तरह के अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने में उनका ज़रा सा भी झिझक नहीं होता। ये बहुत ही निंदनीय है और हम डिमांड करते हैं कि इमीडिएटली वो पैसा आइदर पार्टी फंड से या केजरीवाल जी के अपने पॉकेट से उसको दिल्ली सरकार में लौटाया जाए। लेकिन उनके नेताओं का कहना है कि इस तरह से चीज़ें पहले भी सरकारें करती आई हैं, किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगते हैं या फिर अपने बचाव में उनको कुछ सहायता चाहिए होती है प्राइवेट वकीलों की, तो हायरिंग होती रही है। देखिए, ये जो पर्सनल डिफेमेशन केस है ये कोई सरकार की अगेंस्ट केस नहीं है, ये केजरीवाल जी के अगेंस्ट पर्सनल उन्होंने जो बहुत ही कुछ आपत्तिजनक ऑब्जेक्शन संयोजक के तौर पर उनका मामला है, CM के तौर पर नहीं है। बेशक और वो एक पर्सनल उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिया उसके अगेंस्ट हैं। और अगर वो सरकारी का बात ही कर रहे हैं तो सरकार का, दिल्ली सरकार का पूरा अपना लॉयर्स टीम है, तो इसलिए उनको क्यों नहीं इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अपना पर्सनल डिफेमेशन केस जो कि उन्होंने एक बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल उन्होंने स्टेटमेंट्स दिया, तो वो लड़ने के लिए दिल्ली का पैसा, पब्लिक का पैसा, दिल्ली की जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा क्यों इस तरह से यूटिलाइज किए जा रहे हैं। चुनाव में मुद्दा बनेगा, चुनाव में डेफिनेटली बनना चाहिए। और केजरीवाल जी के जो स्वरूप हैं और उनकी असलियत दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं। वो बड़े बड़े बातें तो करते हैं लेकिन डिलीवरी का नाम पे ज़ीरो हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि जब से ये सत्ता पे आए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले केजरीवाल जी एक का बाद एक खुद भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त होते जा रहे हैं, वो और उनकी मंत्रिमंडली, जितेंद्र तोमर की फर्जी लॉ डिग्री से लेकर शुगर स्कैम, अनियन स्कैम, और जिस तरह से दिल्ली की पैसा खर्च करके उन्होंने पंजाब में और गोवा में अपना पर्सनल एम्बिशन फुलफिल करने के लिए जिस तरह के पैसा खर्च करे, ये बहुत ही निंदनीय है और इसको हम बहुत स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस का मानना है कि ये पूरा मुद्दा चुनावों में भी गरमाता रहेगा और आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान जरूर पहुंचेगा। कैमरामैन रविंदर के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।